हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फेस पैक। तो ये जो फेस पैक है, ये फेस पैक है एंटी एजिंग फेस पैक। अगर आपको फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम है, या फिर आपको फेस सैगिंग की प्रॉब्लम है, या फिर समय से पहले आपके चेहरे पे फाइन लाइंस और रिंकल्स दिखना शुरू हो चुके हैं, तो ये जो फेस पैक है, ये फेस पैक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आप 30 प्लस हैं तो भी आप ये फेस पैक को जरूर लगाएं। ये फेस पैक आपके चेहरे पे ना सिर्फ फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, इसके साथ ही ये आपको यंगर लुकिंग स्किन प्रोवाइड करेगा, आपके स्किन को सॉफ्ट सप्पल बनाने में हेल्प करेगा, तो आपके स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो भी प्रोवाइड करेगा। तो ये जो फेस पैक है, इस फेस पैक को लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ये सब बिल्कुल फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अलसी के बीज। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून अलसी के बीज लिए हैं और हमें बनाना है जेल। तो यहाँ पे मैंने आधा कप पानी लिया है, आधा कप में मैं 1 टीस्पून इतना अलसी के बीज ले रही हूँ, इसे डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, ये एकदम लो फ्लेम पर है। ये 5 से 10 मिनट में आपका जो जेल है वो बन के तैयार हो जाएगा। अलसी का जो बीज होता है हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, साथ साथ ये हमारे बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो 5 से 10 मिनट के बाद ये हमारा जेल बन के तैयार हो जाएगा। तो जब तक ये जेल बनेगा, जब तक ये ठंडा होगा, तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं, अपने फेस पैक को तैयार करते हैं, देखते हैं और इस फेस पैक में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है बनाना। तो बनाना आपको लेना है, बहुत ज़्यादा पका हुआ बनाना आपको नहीं चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा पका हुआ बनाना है तो आप उसे ना ले, इस तरह से ही आपको बनाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बनाना ले लिया। तो मैंने बहुत कम क्वांटिटी में बनाना लिया है क्योंकि हमें यहाँ पे 2 टीस्पून इतना बनाना चाहिए। तो आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे स्पून से भी मैश कर सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ हम बनाना नहीं लेंगे, बनाना का जो पील होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, इसे भी मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ क्योंकि ये भी हमारे स्किन के लिए उतना ही अच्छा होता है। तो इस तरह से आपको बनाना का पील भी यहाँ पर ले लेना है, इस तरह से स्क्रेप कर लीजिए और इसे अपने फेस पैक में ऐड कीजिए। यहाँ पे मैंने बनाना और बनाना का पील दोनों ले लिया है। अब हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं टमाटो जूस। तो यहाँ पे मैं हाफ टमाटो लेने वाली हूँ, यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का टमाटो लिया था, यहाँ पे हाफ टमाटो जूस मैं ऐड करूँगी। अगर आपको लेमन सूट करता है तो आप लेमन भी डाल सकते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है और आपको लेमन सूट करता है तो आप लेमन डाल सकते हैं, लेमन की 4 से 5 बूंदें डाल दीजिए, या फिर आप चाहें तो लेमन जेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। दोनों काफ़ी अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। इसके बाद इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर स्पून से ही मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो ग्राइंडर की हेल्प से भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं स्पून लूँगी क्योंकि ये काफ़ी कम क्वान्टिटी में है, और इस तरह से इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। पे हमारा फ्लेक्सिड जेल जो है वो बनके तैयार हो गया है। तो कॉटन क्लोथ की हेल्प से मैंने इसे छान के अलग कर लिया है। तो यहाँ पे हमें 3 से 4 टीस्पून जितना फ्लेक्सिड जेल चाहिए, और जो बाकी बच जाता है आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख दें, 2 से 3 दिन तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप किसी फेस पैक में लगा सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इसे अपने बालों पर भी लगा सकते हैं, ये आपके बालों के लिए भी उतना ही अच्छा है। तो इन सब को मिला के आपको एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। इसके बाद ये हमारा जो फेस पैक है बन के रेडी हो जाता है, लेकिन इसे हमें ऐसे नहीं लगाना है, आगे मैं बताती हूँ आपको कैसे लगाना है। तो जब ये पैक आपका बन के तैयार हो जाएगा तो आपको तुरंत इसे नहीं लगाना है, आपको इसे रख देना है फ्रिज में। फ्रिज में रखना है आपको 2 से 3 घंटे तक के लिए, उसके बाद ही इसे अप्लाई करना है। तो यहाँ हमारा जो पैक है वो बन के रेडी हो गया है, तो चलिए इसे पहले फ्रिज में रख देते हैं, 2 से 3 घंटे के बाद इसे हम वापस निकालेंगे और फिर हम इसे अप्लाई करेंगे अपने चेहरे पर। यहाँ पे मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है। किसी भी फेस पैक को लगाने के पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपना पैक जो है निकाल लिया है। तो 2 घंटे तक मैंने इसे फ्रिज में रखा था, तो 2 घंटे के बाद मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ। अगर आपका फेस पैक जो है थोड़ा सा काला हो जाता है तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो सकता है क्योंकि हमने यहाँ पे बनाना ऐड किया है। इसके बाद इसे आपको अपने फेस पे लगाना है। फेस पे आपको फेस पैक की तरह नहीं लगाना है, पहले आपको इसे मसाज करनी है अपने फेस की, आपको अच्छे से मसाज करनी है। 5 से 10 मिनट तक आपको मसाज करनी है, आप चाहें तो 5 मिनट भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप 10 मिनट तक इसे हल्के हल्के हाथों से बहुत ही जेंटल होकर अपने चेहरे पर मसाज करना है। हमने इसे फ्रिज में इसलिए रखा था ताकि ये ठंडा हो जाए, जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। जब आप अपने फेस पे इसे लगाएंगे तो ये आपके फेस को टाइटन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, आपके जो लार्ज पोर्स हैं उन्हें मिनिमाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, आपके चेहरे पे बहुत अच्छा सा ग्लो भी प्रोवाइड करने वाला है। तो इस तरह से मैं 5-10 मिनट इसे मसाज करूँगी अपने फेस पर पहले,
पे मसाज करने के बाद जो भी फेस पैक आपका बच जाएगा उसे आप उसके ऊपर से अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको रहना है इसके साथ 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट के पहले आपको नहीं धोना है, आधे घंटे तक आपको इसी तरह से फेस पैक के साथ रहना है। तो इस फेस पैक में हमने मिलाया था बनाना, तो बनाना जो है वो पोटेशियम में और मॉइस्चर में काफ़ी ज़्यादा रिच होता है, जो कि आपके स्किन को हाइड्रेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें विटामिन ए होता है जो कि आपके रफ स्किन के टेक्सचर को भी काफ़ी ज़्यादा हील करता है, आपके स्किन को स्मूथ बनाता है, हाइड्रेट करता है, जिसकी वजह से आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स जो है काफ़ी कम होने लगते हैं। और जो फ्लैक्स सीड है ये आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है, जो भी सन के कारण आपके स्किन पे डैमेज हो रखा है उसे ये प्रोटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद हम इसे वॉश करेंगे नॉर्मल वाटर से। यहाँ पे मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है। फेस को वॉश करने के लिए किसी भी सोप का या फिर फेस वॉश का इस्तेमाल मत कीजिएगा, नॉर्मल वाटर से आपको धोना है। इसके बाद आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं किया है, लेकिन आप देख सकते हैं चेहरे पे काफ़ी अच्छा सा ग्लो आ गया है। तो एक ही बार के एप्लीकेशन में आपको पता चल जाएगा कि आपके चेहरे पे काफ़ी अच्छा सा ग्लो आ जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाना ऐड किया है। तो बनाना में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर होता है, जो कि आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, आपके ड्राई पैचेस को कम करने में हेल्प करता है। इसके साथ हमने यूज़ किया है फ्लैक्सीड जेल, तो ये आपके स्किन को टाइटन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपके स्किन से जो भी फाइन लाइंस और रिंकल्स होंगे इन्हें रिड्यूस करेगा, आपके स्किन को सॉफ्ट, सप्पल और ग्लोई बनाने में हेल्प करेगा, आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से आपको चेहरे को धोना है और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। गाइस, ये जो फेस पैक है ये फेस पैक कोई भी लगा सकता है, आप किसी भी एज ग्रुप के हैं आप इसे लगा सकते हैं। तो अगर आपको फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम है तब तो आप इस फेस पैक को जरूर ट्राई करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पे एक अच्छा सा ग्लो रहे तो भी आप इस फेस पैक को लगा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।